पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब दा 84 साल के थे। वो कोरोना से पीड़ित थे और 10 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने प्रणब दा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी शोक की लहर है। बांग्लादेश ने प्रणब दा के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बांग्लादेश सरकार के अनुसार 2 सितंबर को प्रणब मुखर्जी के चले जाने पर एक दिन ही शोक रखा जाएगा। इस दिन देश में राष्ट्रीय ध्वज भी झुका रहेगा। इससे पहले भारत में पहले ही पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जा चुकी है। उनका अंतिम संस्कार 1 सितंबर ही दोपहर 2 बजे दिल्ली में किया जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को एक पत्र के जरिए अपने देश की जनता की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री हसीना ने पत्र में लिखा कि प्रणब मुखर्जी बांग्लादेश के सच्चे मित्र थे और बांग्लादेशी लोगों का बहुत प्यार सम्मान उन्हें हासिल था। उन्हें साल 2013 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान भी दिया गया था। बांग्लादेश के साथ प्रणब मुखर्जी का एक खास रिश्ता उनकी पत्नी सुरवा मुखर्जी के चलते था। दिवंगत सुरवा मुखर्जी का जन्म जसोर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। पुतिन ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने भारत रूस संबंधों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सार्वजनिक जीवन में विस्तार वाला अनुभव रखने वाले प्रणब मुखर्जी के देश विदेश में व्यापक संपर्कों को देखते हुए भारतीय दूतावासों में भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग अपने शोक संदेश उन्हें भेज सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।